हाय बच्चों, आई होप यू वेंट थ्रू द लास्ट वीडियो एंड अंडरस्टूड व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, इट वॉज क्वाइट क्लियर, यू नो द डिफरेंसेस. व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस? दैट वन रिक्वायर्स टू पेरेंट्स, द अदर रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट. ओके, one involves gametes, sexual reproduction involves gametes, sexual reproduction doesn't involve gametes, because of which sexual reproduction has genetic variance, asexual reproduction doesn't have genetic variance. Okay, sexual reproduction takes place by meiosis, asexual reproduction takes place by mitosis. Okay, and sexual reproduction is a slow process, asexual reproduction is a quick process. तो अभी हमने ये भी देखा था कि binary fission में कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म बाइनरी फिशन? प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट लाइक अमीबा एंड पैरामीजियम, एंड यूक्लिना यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स इन आवर सेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ओके, किस मोड से होता है ये बाइनरी फिशन? इट टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस और एमाइटोसिस. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर बाइनरी फिशन टू टेक प्लेस? अ फेवरेबल एनवायरमेंट वेयर देयर इज सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड. ठीक है, अभी इसका एक और पार्ट देखेंगे. पहले हम देख लेते कि बाइनरी फिशन है क्या. ठीक है, बाइनरी फिशन इज द इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ सिंगल सेल ग्रोज ट्वाइस इट्स साइज एंड डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. तो अगर आप ये देख रहे हैं, अगर ये एक सेल है, तो क्या होता है, ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होके टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है. ओके, ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ सिंगल सेल ग्रोस ट्वाइस इट्स साइज. शायद ओरिजिनल सेल इतना ही हुआ होगा, वो इतना बड़ा हो जाता है. हाँ, इट इंक्रीजेस, उसको सफिशियंट देखो, शायद सेल इतना, ये जो है ना ओरिजिनल सेल जो हमने यहां बनाया वो इस साइज का होगा. जब उसको सफिशियंट खाना मिल जाता है, इट बिकम्स टू टाइम्स इट्स साइज एंड देन इट स्प्लिट्स एंड फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल. ओके, दैट इज बाइनरी फिशन. नाउ बाइनरी फिशन डिफर्स फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ फिशन इन दैट ओनली टू पार्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल एंटिटी. मैंने आपको बताया था ये जो बाई वर्ड है इसका मतलब क्या है, टू है ना. सो बाइनरी फिशन, और भी टाइप के फिशन होते हैं हम देखेंगे, लेकिन बाइनरी फिशन का खासियत क्या है, इसमें सिर्फ दो पार्ट्स फॉर्म होते हैं. एक एक सेल्स, एक जो एंटिटी है उससे सिर्फ दो ही फॉर्म होते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी या बाई. बाई मतलब टू. ओके, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म? टू. बिकॉज दिस इज बाइनरी फिशन, ओनली टू आर फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल सेल. ओके, डिड यू गेट इट? दैट इज बाइनरी फिशन. नाउ दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल, एज द प्रोसेस डजंट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. जैसे हमने देखा था डिफरेंसेस में, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए दिस इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है कि नहीं? बिकॉज देयर आर नो गैमेट, दिस इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हैव द सेम जेनेटिक मटेरियल एज द पेरेंट सेल, है कि नहीं? सेम जेनेटिक मटेरियल जो इसमें था वही मटेरियल इसमें भी है और इसमें भी है, है कि नहीं? तो इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन होने का चांस ही नहीं है, कि जो पेरेंट है सेम डॉटर भी है, कुछ वेरिएशन नहीं. हाँ, हम बाद में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि कितना वेरिएशन पॉसिबल है क्रोमोसोम्स की वजह से. ठीक है, दोनों पेरेंट्स का क्रोमोसोम मिलके बहुत वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें देर इज नो चांस ऑफ एनी वेरिएशन बिकॉज दिस सेल इज गेटिंग डिवाइडेड बाय बाइनरी फिशन इनटू टू सिमिलर सेल्स लाइक द ओरिजिनल सेल. ओनली थिंग, डिवाइड होके स्प्लिट होके वो दो हो गए. जैसे ओके, समझ गए ना बाइनरी फिशन क्या होता है. ओके, हाँ, नाउ बाइनरी फिशन is the mode of reproduction in many prokaryotes including archaea, cyanobacteria, eubacteria and some eukaryotes like amoeba and paramecium. Okay, binary fission jo hai wo bahut sare prokaryotes aur apne eukaryotes ke reproduction ka mode hai. Okay, even mitochondria aur organelle cell ke andar jo organelle hai mitochondria wo bhi binary fission se hi divide hota hai. theek hai, so I will just write this down for you for your understanding that binary fission is the mode of reproduction. aap apne notebook mein bhi note kar lijiye. binary fission is the mode of reproduction
इन मेनी प्रोकैरियोट्स लाइक आर्कियोन, जैसे आर्किया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ओके। और फिर इन सम यूकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स हो गया, फिर यूकैरियोट्स लाइक अमीबा, प्रोटिस्ट जो था हमने देखे थे पहले, अमीबा एंड पैरामीशियम, इन सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, ठीक है। सो बाइनरी फिशन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेनी प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड इन सेल ऑर्गेनल्स, ओके। सो इन ऑर्डर टू रिमेन वायबल एंड कॉम्पिटेटिव, मतलब इन लोगों को जीने के लिए और कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव होने के लिए, बैक्टीरिया मस्ट डिवाइड एट द राइट टाइम, सही समय पर डिविजन होना बहुत जरूरी है, हा? राइट टाइम राइट प्लेस एंड मस्ट प्रोवाइड ईच ऑफ स्प्रिंग विद अ कंप्लीट कॉपी ऑफ इट्स एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो है ना, सही उसको सही न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, न्यूट्रिशन सही होना चाहिए और समय भी सही होना चाहिए। समय कैसे, इट शुड बी द फुली मेच्योर्ड सेल दैट इज डिवाइडिंग। इफ एन इमेच्योर सेल इज डिवाइडिंग द डिविजन वॉन्ट बी कंप्लीट एंड प्रॉपर। सो वॉट इज नीडेड, मेच्योरिटी एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड the right place. So in order to remain survive and be competitive, a bacterium must divide at the right time in the right place and must provide each offspring with a complete copy of its original genetic material, okay. So it has to provide a complete copy, isliye there is no genetic variation, jo isme hai exactly wahi usme bhi hai. To ye hai binary fission, ओके तो अभी हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन कैसे होता है, इस मतलब डिवीजन किस तरीके से होता है। अभी जो बाइनरी फिशन होता है ना, वो जिस एक्सिस में डिवाइड होता है, एक्सिस मतलब जिस जैसे अभी आपको पता है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे एक्सिस, एक्स वाई जी एक्सिस ना, कौन से एक्सिस में डिवाइड होता है, जो डिवाइड होता है लेकिन किस एक्सिस में डिवाइड होता है, दिस एक्सिस ऑफ डिविजन in it differs in different protists, the axis of division is different in different protists. So hum dekhte hain teen type ke hai, ek to hai simple binary fission, transverse binary fission aur longitudinal binary fission, theek hai. To ye jo simple binary fission hai, usually amoeba jaise protists mein hota hai, kyunki amoeba has no shape. Hum dekhte hain ye simple binary fission amoeba mein hota hai, fir ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पैरामीशियम में होता है, और ये लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन यूग्लियना में होता है, ठीक है। ये जो अलग अलग प्रोटिस्ट है, ये सब प्रोटिस्ट में अलग अलग तरीके का अलग अलग एक्सिस ऑफ डिवीजन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे होता है। अभी जो ये अमीबा है, अमीबा हमने आपने देखा होगा शायद, पता नहीं आपको लैब में आपने देखा है कि नहीं, लेकिन अमीबा का शेप कुछ खास ऐसा कोई शेप पर्टिकुलर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर सपोज ये अमीबा है, तो ये अमीबा कैसे डिवाइड होता है, वो ऐसा 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 कोई भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसा कैसा भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। पहले वो अपना साइज बड़ा होता है, उसका जो ये जो अंदर का न्यूक्लियस है वो भी इलोंगेट होता है, डब मतलब इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग, हमको माइटोसिस पता है कैसे होता है, हाँ? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है और इलोंगेट हो जाता है ना कहीं पर, तो कोई एक एक्सिस में वो पतला होकर टूटने के लिए रेडी हो जाता है ना, जैसे अभी इसका ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया इधर, ओके। एंड फाइनली जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे वो भी शेपलेस होते हैं, अमीबा में कोई शेप नहीं है, लेकिन जो इसका जेनेटिक मटेरियल जो इसमें था वही इनमें भी होगा, ये डॉटर सेल्स में, ओके। सो ये जो सिंपल बाइनरी फिशन ना कोई भी प्लेन में हो सकता है, सी
इट कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन ओके इट कैन टेक प्लेस इन दिस प्लेन और दिस प्लेन और दिस प्लेन एनी प्लेन इट कैन टेक प्लेस. अभी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन क्या होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो बाइनरी फिशन होता है. इट टेक्स प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल तो आप जानते हैं, दिस प्लेन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन. इसको कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. तो कैसे होता है? अभी जैसे हम पैरामीजियम ले लें, पैरामीजियम ऐसा है सपोज, ओके. तो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स है, कुछ तो है, कुछ कुछ डिफरेंट न्यूक्लियस है. तो अभी इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ ऐसा, ओके, जस्ट अज्यूम, ओके. अभी इसका जो फिशन होता है ना, वो इस प्लेन में होता है, ओनली इन दिस प्लेन, ठीक है. तो ये जब धीरे धीरे डिवाइड होगा तो अंदर का मटेरियल भी साथ साथ में रेप्लिकेट होके, फिर क्या होता है बाद में, ये प्लेन से डिवाइड होके जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका, वो ऐसा होगा, इधर से थोड़ा नैरो होने लगेगा, है ना. फिर फाइनली दो में डिवाइड हो जाएगा, ओके. इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो इसमें था वही है, बिल्कुल जो इसके अंदर था वही इसके अंदर भी है, है? और बाद में जैसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, दे ग्रो टू द सेम साइज एज द पेरेंट अमीबा, बट देर इज नो डिफरेंस इन द जेनेटिक मटेरियल इन द पैरामीशियम, ओके. सो दिस हैपेंस इन दिस प्लेन, ओके. दिस इज द प्लेन ऑफ डिविजन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. अभी लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है यूग्लिना में, ठीक है. यूग्लिना का शेप कुछ ऐसा है, ऐसा ना, ओके. अभी लॉन्जिट्यूडनल क्या है? लेंथ वाइज, ओके. लेंथ वाइज डिविजन होता है इसका, कुछ ऐसा एक ये भी है, फिर इधर कुछ है, फिर इधर इसका न्यूक्लियस है. तो इसका जो डिवीजन होगा, इट विल टेक प्लेस इन द लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, ओके. तो इट स्टार्ट स्प्लिटिंग फ्रॉम द सेंटर. तो धीरे धीरे वो पहले ये रेप्लिकेट होगा, साइज बड़ा होता है ना पहले, तो सॉरी ये स्प्लिट होगा इधर, फिर इसको भी ये दो हो जाएगा, ये भी डिवाइड होने लगता है, दो दो होने लगता है, ओके. फिर क्या होता है, इसे बढ़ता रहता है, फाइनली जो लास्ट प्रोडक्ट है वो ऐसा होके, फिर कैसे कैसे स्प्लिट हो रहा है आप देखो, है, फिर फाइनली ये, ओके, सॉरी, सेम लाइक पेरेंट सेल डिसफॉर्म. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डिविजन इज टेकिंग प्लेस इन द लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन, एंड रिजल्ट इज द सेम, ओके. बेबी न्यूक्लियस है, जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर था वही इसके अंदर भी है. लेकिन ये आपको किस लिए बनाया, मैं बना के दिखाया, दिखाने के लिए कि जो एक्सिस ऑफ डिविजन है, ये तीनों अलग अलग टाइप के जो प्रोटिस्ट है, तीनों में अलग अलग तरीके से होता है. अमीबा में कोई खास शेप नहीं है, तो इसका जो डिवीजन हो रहा है वो सिंपल बाइनरी फिशन है. सिंपल मतलब कोई भी प्लेन में डिवाइड हो जाता है. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड होता है, और लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन लॉन्जिट्यूडनल प्लेन में डिवाइड होता है, ओके. सो दिस इज योर बाइनरी फिशन. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट मल्टीपल फिशन. अभी क्या था, बाइनरी मतलब dividing into two daughter cells that are same. Now we will learn about multiple fission. Multiple fission amoeba में भी होता है, जैसे binary fission होता है amoeba में भी होता है, वो हम next video में देखेंगे, okay.